नमस्कार दोस्तों, श्री नीटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये आज सिंगल कलर का पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है और बहुत ही इजी है बनाना भी। देखिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ये कैसे बनाना है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी आपको डालना है। ये बहुत ही सिंपल है बनाना। देखिए इसके लिए हमने इसमें फंदे डाले हैं ओड नंबर में, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर के फंदे होते हैं। जैसे भी आप फंदे डालें, दो दो के जोड़ करके और एक फंदा उसमें एक्स्ट्रा डाल लें, वो हमारे ओड नंबर में फंदे हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कैसे बनाना है। ये 4 रो का पैटर्न है और बहुत ही सिंपल है बनाना। ये देखिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं। मैंने इसमें 21 फंदे डाले हैं और आप चाहे तो इसमें बॉर्डर भी बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही सिंपल भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैंने इसमें 21 फंदे डाल के 2 रो, एक उल्टी और एक सीधी डाल लिया है। मैं इसमें आपको पैटर्न डालकर दिखाऊंगी। ये देखिए फर्स्ट रो, ये 4 रो का पैटर्न है। फर्स्ट रो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये राइट साइड है हमारी। फर्स्ट फंदा हम इसमें स्लिप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको बुन भी सकते हैं एज स्टिच है ये। फिर ये धागा ऐसे आगे की साइड अपनी ले आएंगे। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। ये धागा हमें अपनी साइड ही रखना है, उल्टे ही बुनने हैं जो फंदे हम बुनेंगे आगे की साइड। और एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। ये फर्स्ट रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। एक फंदा बुनना है और एक स्लिप करना है। देखिए लास्ट में 3 फंदे बच गए हमारे। ये एक फंदा स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा ये धागा पीछे की साइड करके इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह ये फर्स्ट रो हमारी बन गई है। ये देखिए अब सेकंड रो, ये रॉन्ग साइड, इसको हमें पूरी को उल्टी बना लेनी है। सभी फंदों को इसमें हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट होगी पूरी उल्टी बनाकर। अब थर्ड रो, ये राइट साइड, थर्ड रो भी हम फर्स्ट की तरह बनाएंगे। इसमें स्टार्टिंग में हमें चेंज करना है थोड़ा सा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ से फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। आप चाहे तो इसको बुन भी सकते हैं। फिर ये धागा अपनी साइड ले आएंगे। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, एक फंदा उल्टा बुना था। अब हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, एक फिर एक और। ये देखिए ये वाला, इस तरह ये 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। इससे हमारा ये पैटर्न अच्छे से बन के आ जाएगा, वरना ये एक के ऊपर एक ही बन जाएगा, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पे ही चेंज करना है। ये देखिए ध्यान से ही, फर्स्ट फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया है और फिर 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब एक फंदा स्लिप करेंगे जैसे पहले किया था और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक स्लिप करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट की तरह ही करना है, सेम जैसे फर्स्ट रो में किया था। इसमें हमें ये देखिए पता लग जाएगा, जो फंदा हमने फर्स्ट रो में बुना है वो इस बार हम स्लिप कर रहे हैं, ये देखिए, और जो नहीं बुना उसको इस बार हम थर्ड रो में बुन रहे हैं। ये बनाते हुए हमें पता लग जाता है। ये स्लिप कर लेंगे, ये बुन लेंगे, ये स्लिप कर लेंगे, ये बुन लेंगे, ये स्लिप करेंगे, एक फंदा एक बुन लेंगे। अब ये देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, ये हमने बुन लिया। इसको हम स्लिप कर लेंगे एक को और
और फिर धागा पीछे की साइड करके लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे। इसमें लास्ट का फंदा हर बार हमें राइट साइड से सीधा बुनना है। और ये देखिए हमारा पैटर्न बन के आ रहा है। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड, ये भी हम पूरी उल्टी बुन लेंगे जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी। ये बहुत ही सुंदर बन के आता है ये वाला पैटर्न। और इसको आप जेंट्स स्वेटर में डालेंगे तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि जेंट्स स्वेटर में हम सिंपल ही पैटर्न डालते हैं इजी। ये किसी भी कलर में बना सकते हैं आप इसको। ये देखिए फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी और ये हमारा पैटर्न बन के आ गया है इस तरह। ये देखिए ऐसे आ जाएगा बन के। और इन फोर रो को ही आप बार बार रिपीट करते जाएं तो ये आपका पूरा है इस तरह बन जाएगा। ये देखिए ऐसे ही बन के आ रहा है सेम। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक व कमेंट करें, और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।